कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने इसमें 4 पोटैटो लिए हैं। इन सब वेजिटेबल को हम लोग सबसे पहले बॉईल करेंगे। मटर लिए 1 कटोरी, गोभी लिए 250 ग्राम के करीब, 2 कैरेट लिया है मैंने, 2 छोटे बीटरूट, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे इसमें और इसे 5 to 6 सीटी तक पकाएंगे, जब तक सब्जियां गल नहीं जाती हैं। लगभग 5 से 6 सीटियां मैंने इसमें ली थी और ये देखिए सब्जियां कुक हो चुकी हैं, अच्छे से कुक हुई हैं ये सब्जियां। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे, ये लगभग 4 टेबल स्पून है। इसमें अब 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने चॉपिंग कर लिया है महीन, इसे अच्छे से भून लीजिए। अदरक अच्छे से भून गई है, अब मैं इसमें महीन कटा हुआ 2 प्याज ऐड करूंगी, ये 2 मीडियम कट प्याज है। मिक्स कर लेंगे और इसे भी भून लेते हैं अच्छे से। जब प्याज भून रही हो तो आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे तो प्याज जल्दी भून जाता है। मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ऐड किया है। ये बॉयल सब्जियां हैं, मैं इसे प्लेट में भी मैश कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ये बीट को अगर हम पहले से मैश कर लेते हैं तो मिक्स करने के टाइम पे उसके टुकड़े नहीं रहेंगे, तो मैं इसको प्लेट में मैशर से मैश कर लेती हूँ डालने से पहले। ये देखिए मैं इसे मैश कर लेती हूँ। अनियन अच्छे से भून गया है, देखिए इसका कलर आया है इतना अच्छा। अब मैं इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर आप हो सके तो रेडी लीजिए, जिससे कलर अच्छा आएगा। मैं इसमें अभी 1 छोटा शिमला मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं अभी 1 चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे कम से कम 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ढक के रख दीजिए। खोल के देख लेते हैं, अभी टमाटर प्याज अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ। ये मसाला भूनते टाइम पे भी मैंने डाला है और बाद में भी डालूंगी, इससे क्या है मसाले का फ्लेवर अच्छा आता है। थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ उसपे। इसका टेक्सचर देखिए। अब मैं इसमें सारी मैश की हुई सब्जियाँ मिक्स कर दूंगी। ये सब मैंने बीट और कैरेट को मैश कर लिया था, क्योंकि ये बाद में मैश होता नहीं तो टुकड़े आ जाते हैं। सारी सब्जियाँ ऐड कर दीजिए, मिक्स कर लीजिए। ये वही पानी है जो वेजिटेबल बॉईल करते समय था। आप मैं इसे थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ और सब्जियों को मैश कर लेती हूँ। मैं सारी सब्जियों को मिक्स करके अच्छे से मैश कर लेती हूँ।
इसका कलर दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसमें एक चम्मच चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और एक चम्मच पाव भाजी मसाला। नमक देखिए मैंने पहले भी डाला था, तो नमक अब आपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मिक्स कर लेते हैं। अब मैं वही वेजिटेबल स्टॉक इसमें और मिक्स कर रही हूँ। मिक्स कर लीजिए। कभी भी इसमें ठंडा पानी आप मिलकर भी मत ऐड कीजिएगा। सब्जी को बॉईल करते समय ही उसमें जो आप पानी करते हैं डालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, जिससे आपका ये देखिए ऐसे लिक्विडिटी बिल्कुल आपको बाहर की तरह ही फील आएगी। पाव भाजी खाकर एकदम लिक्विड है इसका, ये देखिए। इसे 2 से 5 मिनट पका लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें 1 चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लीजिए। कोरिएंडर डाल दीजिए। हैव अ लुक, हैव अ लुक। पाव भाजी इज रेडी।